आज शराब के लत से, शराब के एडिक्शन से बहुत लोग परेशान हैं, स्पेशली महिलाएं। हर भारतीय महिला सफ़र कर रही है क्योंकि मुंह दबा के पीठ के ऊपर जोर जोर से मारा जा रहा है, कुछ नहीं कर पाती। हस्बैंड को बोला कि शराब छोड़ दो तो आंग पे आता है, मारपीट करेगा। कुछ बोलती कि मेरे को छोड़ना तो है नहीं, तुम जो भी कुछ कर लो, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं। कुछ लोग बोलते कि मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, छोड़ने की बहुत इच्छा है। इसमें सफ़र होता है परिवार, सफ़र होती है महिलाएं। इसकी शुरुआत कैसे होती है तो वो हमको देखना पड़ेगा। लोग शराब पीते क्यों हैं, पीना कंटिन्यू क्यों करते हैं, वो सब देखने की जरूरत है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या होता है कि एक तो घर में संस्कार, उसके वजह से शराब चालू हो जाती जल्दी। आजकल ऐसा हो गया है कि हर अपर मिडिल क्लास फैमिली में यदि पिताजी शराब पी रहे हैं तो उसकी पत्नी भी पी रही है, मतलब माँ भी पी रही है, और बेटा भी पी रहा है, बेटी भी पी रहे हैं, सब साथ में बैठ के थोड़ी थोड़ी शराब पीते रहते हैं। फिर दूसरा है कि यंग जनरेशन में ऐसा हो गया है कि अरे तू आदमी जैसा आदमी है, पुरुष जैसा पुरुष शराब नहीं पीता है, ऐसा लोग चिढ़ाएंगे करके। कोई कंपनी में है, सब लोग पी रहे तो ये भी पी लेगा। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ तो भी नॉवेल्टी है तो वो देख लेते हैं क्या है, तो शराब सब पी रहे अपन भी पी लेंगे, इसलिए पीते हैं। कुछ लोग कुछ नया करना है करके पीते हैं, कुछ पीयर प्रेशर है करके पीते हैं कि दोस्तों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है। कुछ लोग अपना आदर्श है वो व्यक्ति पी रहा है, जैसे सिनेमा में कोई हीरो पीता है शराब तो उसको देख के फिर अपन चालू कर देते शराब। तो जो आपके आदर्श है, गुरु है, वो पीते हैं तो ये लोग पीना चालू कर देते हैं। और बहुत जगह हमारे देश में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं कि जो स्टेट्स में घर में परिवार में सब लोग बैठ के शराब पीते हैं। फिर शराब पिए तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? यदि सोशल ड्रिंकर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हर सोशल ड्रिंकर, 6 लोग यदि सोशल ड्रिंकर है तो 6 सोशल ड्रिंकर के पीछे एक अल्कोहल एडिक्ट बन जाता है, लत लग जाती है। तो फिर 6 में से किसको लत लग जाएंगी हमको पता नहीं, इसलिए नहीं पीना चाहिए, क्योंकि एक बार लत लग गई तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अच्छा, लत लग गई कैसे पहचानना कोई एडिक्ट है करके? एक तो है कि उसका डोज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, पीने का प्रमाण जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो समझ जाना कि इसको लत लग रही है। दूसरा है कि उसका फिक्स टाइमिंग है, सवेरे या दोपहर को या शाम को या रात को फिक्स टाइमिंग है, उस समय उसको लगता ही है, नहीं तो वो उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा। फिर नेक्स्ट है कि उसको विड्रॉल सिम्टम आना चालू हो जाते हैं, नहीं पिया तो समझ जाना इसको एडिक्शन है। और विड्रॉल सिम्टम हाथ कांपना, और विड्रॉल सिम्टम में हाथ कांपना, पसीना आना, घबराहट होना, बेचैन होना, नींद नहीं आना, दिमाग जाम हो जाना, कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना, ऐसा विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। शराब से पैसा, फाइनेंशियली आदमी टूट जाता है, पैसे का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, लोगों से पैसे उधार लेना, पैसा ख़त्म हो गया तो 10-10% प्रति माह से लोग पैसा उधार लेते हैं और पीते रहते हैं, फाइनेंशियली टूट जाता है, परिवार बिखर जाता है, परिवार टूट जाता है, क्योंकि परिवार में सबकी मतलब सब सबको प्रॉब्लम है, खाने पीने का प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली लोगों को टाइम पे खाना मिलता नहीं, पीना मिलता नहीं, घर गृहस्थी बराबर होती नहीं, तो परिवार टूटना चालू हो जाता है। तो इसका इलाज होना जरूरी है। मगर आज हमारे देश में 14% पुरुष शराब पीते हैं और पूरे दुनिया में 16% है। एक रिपोर्ट के अनुसार 27.3% पुरुष शराब पीते हैं और महिलाओं में यह प्रमाण 1.6% है, मतलब तो बहुत ज़्यादा मात्रा है पीने की। और कौन सा आदमी एडिक्ट बन जाए हमको मालूम नहीं है, तो इसलिए तुरंत जैसा मालूम पड़े कि भाई नहीं ये लत लग रही है तो उसको तुरंत रोकना बहुत ज़रूरी है। और लत लगने के बाद में तो फिर हो सकता है कि ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। मेरे यहाँ आने वाले 10 अल्कोहलिक जो हैं, अल्कोहल एडिक्ट जो है 10, उसमें से 7 लोग या 8 लोग
ऐसे लाए जाते हैं पकड़ पकड़ के, जो उनको छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, उनको छोड़ना नहीं है, पकड़ पकड़ के लाया जाता है, क्योंकि उनका प्रॉब्लम है, घर वालों का प्रॉब्लम है। एक या दो ही लोग ऐसे आते कि ठीक है इलाज करेंगे और मैं हॉस्पिटलाइज होता हूँ। 10 में से 1 तो ऐसा होता है कि उनको बिना बोले हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, बिना बोले, क्योंकि वो बोल दिया तो वायलेंट हो जाता है उसका, उसको जॉन्डिस है मतलब पीलिया हो चुका है, उसका फिजिकली बहुत ही डाउन है, हीमोग्लोबिन कम है, मतलब ये नहीं भर्ती किया उसका तो मर जाएगा ये, ऐसे हालत में हमारे पास में लाते हैं। और उसको तभी भी इनसाइट नहीं है इलाज करने की, ऐसे लोगों को हमने ठीक किया हुआ है कि भाई उनको भर्ती करो, फिर उसका इलाज करो, और फिर एवर्शन ट्रीटमेंट हो, हिप्नोथेरेपी हो, उसको अच्छा करो। दवाई जो है, ये दवाइयाँ 3 अलग अलग प्रकार की जो दवाइयाँ, अकैम्प्रोसॉल दवाई है, एक नेल्ट्रोक्सन है, एक डायसल्फिराम है, ये तीनों भी दवाई हम साथ में देते हैं या अलग देते हैं, तो ये करीब करीब साल भर देते हैं। इसमें दवाइयों में एक तो पीने की इच्छा नहीं होती, पिए तो मज़ा नहीं आता, और समझो पिए उसके ऊपर शराब पिया तो उसके रिएक्शन आती है, तो इसलिए फिर आदमी शराब पीता ही नहीं। तो ऐसे सब दवाइयाँ उपलब्ध है, दवाई लेना है और लोगों का इलाज करना है। आज हमारे देश में ऐसा है कि 10 में से 9 पार्टियाँ ऐसी होती है कि जहाँ शराब रहती है, और शराब नहीं रही, ड्राई पार्टी रही, तो लोग जाना पसंद नहीं करते। जहाँ आप किसी को बुलाते हैं ना, और बोला उसको हाँ पीने की व्यवस्था है कि नहीं, पीने की व्यवस्था है अलग करके रखी हुई है, तो ज़्यादा अटेंडेंस हो जाता है। 10 में से मतलब कोई पार्टी में आप जाते हो तो 10 में से 7 या 8 लोग शराब पीते ही पीते हैं, 2-3 ही लोग शराब नहीं पीते, और जो नहीं पीते हमारे जैसे, हमको टीज किया जाता है, रैगिंग किया जाता है, कह रहे तुम मर्द जैसे मर्द शराब नहीं पीते, ऐसा कैसा है, पुरुष है तुम शराब नहीं पीते, ऐसा रैगिंग किया जाता है। एक बार तो लेके देखो, कुछ नहीं होता, ऐसे लोग पीछे पड़ेंगे और आपको ज़बरदस्ती शराब पीने के लिए मजबूर करेंगे। मगर हमारे जैसे कि मैंने अभी तक ज़िंदगी में एक बार भी शराब की टेस्ट भी नहीं की, तो ऐसा दूर रहना बहुत आवश्यक है, तभी हम लोगों का इलाज करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। इलाज संभव है हॉस्पिटलाइजेशन करके, साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी करके इलाज संभव है, और आप इलाज कर सकते हैं। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। आपका ख्याल रखो, आपका परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।